बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, यहाँ पे किसान के बिल के विरोध में यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम सीधे बात करेंगे, पंजाब से जुड़ा मामला है, पंजाब केसरी से सीधे बात करते हैं कि क्या है, किस तरह का मांग है, और काफ़ी दिन हो गया है किसान अपने आंदोलन पे हैं लेकिन इनकी मांगे नहीं मानी जा रही है। क्या सवाल है आप? सवाल है कि किस जो मांगे हैं आपकी सरकार नहीं मांग रही, उनकी मंशा क्या है, क्यों नहीं मांग रही है? इसलिए कि जो गुलाम हैं व्यापारी मतलब अरबपति, वो हमारा जो माल को इधर उधर ले जाकर के किसानों को सहयोग करता है उसकी बात नहीं, उसको तो बिचौलिया कह रहे हैं, बिचौलिया कह रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि मजदूर, खेत रखने वाला, खेतों में काम करने वाला और बाजार में सामान पहुंचाने वाला और उनको बैंकों से ऋण देने वाला जितनी संस्थाएं हैं सभी मिलकर के खेती के पक्ष हैं, नहीं मान रहे हैं। जब पागलपन हो जाता है तो रावण कहाँ माना, आप बोलिए मत। जब लोग भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा रहे थे तो सोच रहे थे क्या अंग्रेज की हमको इस भारत से जाना होगा, लेकिन अंग्रेजों के दलाल सारी व्यवस्था को भंग करके रखा है। नहीं मानेंगे तो किसान अपना राजपाट बनाएगा, आने दीजिए समय, उनको पता चल जाएगा कि हमने नहीं माना तो क्या नतीजा हुआ, और अभी उत्तर प्रदेश में पता चल जाएगा कि नहीं माने तो क्या नतीजा होगा। काफ़ी नुकसान हो रहा है, देश का पैसा विदेशों में जा रहे हैं, और जो नीति इन्होंने बनाया है उसमें भी कहीं ना कहीं से जो देश का पैसा है बाहर जाने की स्थिति बन रही है। पैसा तो बिहार का भी हर साल बाहर जा रहा है, बाहर मतलब इसी भारत में, इस राज्य से बाहर। अब आप बताओ, हम सामान खरीदेंगे तब ना जब अपना सामग्री बेचेंगे, खाद दोगे नहीं समय पर, हाहाकार मचा हुआ है, हमारे उत्पादन को खरीदोगे नहीं। इनको चावल चाहिए 30 लाख टन बिहार को खिलाने के लिए और 15 से 20 लाख टन चाहिए आटा के लिए गेहूं, क्यों नहीं खरीद रहे हो? ये खरीदेगो तो रिजर्व बैंक से वो पैसा आएगा किसानों के बीच में, किसानों के पास जब पैसा आएगा तो उद्योग के पैदावार को खरीदेंगे, जब उद्योग का सामग्री की खरीद शुरू हो जाएगी तब उद्योग आएंगे। और यही है नीति, कृषि को मजबूत करो, कृषि से व्यापार मजबूत होगा, व्यापार और कृषि दोनों मिलकर के मध्यम उद्योग में जाएंगे, और मध्यम उद्योग से जब पैसा लोगों के हाथ में आएगा तो उद्योगपति भी आएंगे। ये केवल उद्योगपतियों को बुला रहे हैं इथेनॉल बनाने के लिए, हेमो मैं इस बात को कह रहा हूँ आप सबसे, नीतीश केवल बता दो इथेनॉल क्या है, अन्न से तुम इथेनॉल बनाओगे, इथेनॉल क्या है, गरीब का पेट भरने के लिए। भारत में सबसे हंगर इंडेक्स में भारत नीचे है और भारत में बिहार अफ्रीका के बराबर है, उस राज्य में तुम इथेनॉल के अनाज से बनाओगे? पंजाब में क्यों नहीं बना रहे हो, हरियाणा में क्यों नहीं बना रहे हो, जहाँ से चावल खाते हो और आटा आता है वहाँ इथेनॉल नहीं बन रहा है, बिहार में इथेनॉल बन रहा है। और सारे व्यापारी गिद्ध की तरह देख रहे हैं कि कैसे हम किसानों की रोटी छीन करके हम शराब बना दें या बायोडीजल बना दें, यही ना है, गाड़ी के लिए इथेनॉल, वह इथेनॉल जो इंसान के लिए न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन टू इथेनॉल दुनिया में, इस बिहार के पागलपन सरकार के सिवा किसी का ये आज के आंदोलन का असर पड़ेगा? असर क्या पड़ेगा नहीं मालूम, वो जाने, मैं जानता हूँ जब आदमी अहंकार में आता है तो जल्दी सुनता नहीं है, लेकिन उनके समाप्ति का ये बेगुल बच जगह है, ये अब निकलेंगे जाएंगे यहाँ से। तो साफ तौर पे आप देख रहे थे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का कहना है कि आज का आंदोलन है, उनका असर पड़ेगा, सरकार को बात सुननी पड़ेगी। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।